हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त नाजुक कुमार और आज मैं लेकर आया हूं पटना ग्रुप डी में पूछे गए वो प्रश्न जो कि आपके लिए आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ये 17/11/2013 की परीक्षा में पूछा गया था, तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम और भी ज़्यादा वीडियो आपके लिए बनाते रहें। तो बहुत सी मेहनत के बाद जो है ये वीडियो तैयार किया गया है, तो चलिए इसको शुरू कर देते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में कलिंग की राजधानी कौन सी थी। तो प्राचीन भारत में कलिंग की राजधानी कौन सी थी, तो देखिए इसका ऑप्शन जो दिया गया है, ए उज्जैन, बी तक्षशिला, सी तोसली और डी पाटलिपुत्र। तो इसका क्या आंसर हो सकता है आप बताइएगा। इसका आंसर जो होगा वो तोसली होगा। ठीक है, तोसली जो थी प्राचीन कलिंग की राजधानी थी। देखिए कलिंग के बारे में आपको और भी कुछ जानकारी दे देते हैं जो कि आपके लिए परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखिए प्राचीन भारत में तोसली कलिंग की राजधानी भी थी और कलिंग राज्य का जो राजा था वो अशोक के शासक, कलिंग का शासक जो था वो खाड़वेल था जिसने की पद्मावती से लड़ाई की। देखिए कलिंग एक शक्तिशाली राज्य था जो कमजोर मौर्य वंश के लिए खतरा हो सकता था, इस कारण जो है वो अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई किया था। अशोक ने कलिंग पर 261 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया था। इसकी जानकारी जो है अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है, या उस कह सकते हैं कि प्राचीन काल में खाड़वेल भी जो था वो कलिंग का ही शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चोल वंश का संस्थापक कौन था। चोल वंश का संस्थापक कौन था, देखिए चोल वंश जो है ये भी दक्षिण भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य था। इसी भी परीक्षा में बहुत ज़्यादा सारा क्वेश्चन जो है पूछ जाते हैं, मगर जो ग्रुप डी परीक्षा पटना पूछा गया है वो कि चोल वंश का संस्थापक कौन था। चोल वंश का संस्थापक राजराजा नहीं था, राजेंद्र प्रथम भी नहीं था और इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ये चोल वंश का जो संस्थापक था वो विजयालय था। देखिए विजयालय ने 850 AD में चोल वंश की स्थापना की। ठीक है, और चोल वंश के वास्तविक संस्थापक जो है वो परांतक प्रथम को माना जाता है, क्योंकि परांतक प्रथम के काल में चोल वंश जो है वो ज़्यादा अपने उत्कर्ष की ओर बढ़ रहा था। चोल के जो महानतम शासक थे वो राजा राज प्रथम को भी माना जाता है। ठीक है, राजा राज प्रथम जो है वो चोल वंश के महानतम शासक था और इसने जो है बृंदेश्वर के राजराजेश्वर मंदिर या फिर उसको कह सकते हैं शिव मंदिर को भी बनवाया था। तो या तो क्वेश्चन ऐसा रहता है कि बृंदेश्वर के शिव मंदिर को किसने बनवाया था, तो राजराजा प्रथम, या राजराजेश्वर किसने बनवाया था, तो वो भी राजराजा प्रथम। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। चोल वंश का राज राजा ने उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था, तो यही जो राजराजा थे वो श्रीलंका पे भी चढ़ाई किए थे और उत्तरी श्रीलंका पे क्या किए, अधिकार कर लिए। राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था और इसके जो शासक थे राजेंद्र प्रथम, उसने क्या किया, पूरे श्रीलंका पे अधिकार कर लिया था। तो दक्षिण भारत के ये काफ़ी शक्तिशाली राज्य थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है। देखिए सिंधिया जो है वो ग्वालियर से संबंधित है और इसके बाद में होलकर पुणे, ये गलत है क्योंकि होलकर जो है वो पुणे का नहीं बल्कि यहाँ पे बड़ोदरा होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे बी सही नहीं नज़र आ रहा है और ए जो है वो सिंधिया ग्वालियर, ये बिल्कुल सही है। और पेशवा का संबंध जो है वो पूना से ही था, यहाँ पे होलकर लिया गया है। ठीक है, इसलिए ये बी नंबर सही नहीं हो सकता है। मराठा राज का संस्थापक शिवाजी थे, आप जानते ही थे, और पेशवा जो है वो द्वितीय मराठा राज की स्थापना किया था और अंतिम पेशवा जो थे वो बाजीराव द्वितीय थे। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन जिस प्रकार से दिख रहे हैं, पहला सिंधिया ग्वालियर, दूसरा होलकर पुणे और तीसरा जो है गायकवाड़, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख गया है, बॉर्डर हो गया है, यहाँ पे बड़ौदा था। ठीक है, और चौथा जो है भोसले नागपुर। तो ये जो हैं सारे है, वो सही हैं और यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ऑप्शन के अनुसार कौन सी जोड़ी सही नहीं है, तो वह होगा होलकर पुणा, ये जोड़ी सही नहीं है। होलकर का संबंध जो होता है वो कहाँ संबंध होता है, इंदौर से, आप जानते हैं, और इंदौर में, और इंदौर में एक महत्वपूर्ण बात ये कि इंदौर में जो है एक स्टेडियम भी है वो है
होलकर स्टेडियम, याद रखिएगा होलकर स्टेडियम भी जो क्रिकेट संबंधित है वो इंदौर इंदौर में ही है। तो गायकवाड़ बड़ौदा से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। भोसले जो थे वो नागपुर से संबंधित थे, यानी मराठा राज्य का जो था वो नागपुर में उधर था। और इसके बाद जो सिंधिया ग्वालियर जो है ये भी सही है। तो ये पटना पूछा गया क्वेश्चन था जिसका आंसर आप बी सोच सकते हैं, होलकर पुणे। अगला प्रश्न शुरू करते हैं। निम्नलिखित में कौन अकबर के नवरत्न का हिस्सा नहीं थे? अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, ये कोई प्रश्न रहता है कि अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे या नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? तो वो अकबर था, लेकिन यहाँ पर अकबर के दरबार में जो नवरत्न रहते थे उसमें कौन नहीं थे? चलिए बीरबल, बीरबल तो इसका महामंत्री था, ये तो था ही। फैजी, फैजी भी था, और फैजी भी था, उसके बाद टोडरमल राजस्व विभाग का था, फैजी विद्वान था। आदिल शाह, बिल्कुल सी नंबर जो है वो नहीं होगा, ठीक है। अकबर के दरबार में आदिल शाह नहीं होगा, तो इसलिए आप इसका आंसर दे सकते हैं सी, ठीक है। तो बीरबल, फैजी, टोडरमल, ये सारे अकबर के दरबार में रहते थे। और अकबर के बारे में एक प्रश्न जो और भी आता रहता है कि तुलसीदास के बारे में, कि तुलसीदास जो है किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास जो समकालीन थे वो भी अकबर से ही थे, और अकबर ने बहुत ज़्यादा काम किया था। इसने क्या किया था कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी, और यह सारे धर्मों को समान रूप से देखता था। इसकी पत्नी का नाम जो था वो जोधाबाई था। और अकबर जो थे वो राजपूतों से भी संबंध स्थापित किए थे, और इसने सारे धर्मों को एक साथ मिलाया था। इसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी और अपने राज्य में शांति स्थापना, शांति व्यवस्था को बनाए रखा था। चलिए अगला प्रश्न की ओर देख लेते हैं। लेकिन अकबर के नवरत्न का हिस्सा नहीं था, वो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर बताया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत से संबंधित हैं? निम्नलिखित में से कौन ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत से संबंधित है? ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत जो है वो देखिए दादा भाई नौरोजी ने दिया था, कब? 1868 में। दादा भाई नौरोजी जो थे भारत के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कि अंग्रेज की वास्तविक मनसा को समझ पाया था। अंग्रेज का जो मुख्य उद्देश्य था वो आर्थिक शोषण करना था। 1868 में दादा भाई नौरोजी सर्वप्रथम बार भारत में जो है राष्ट्रीय आय की गणना किया, और उसमें जो प्रति व्यक्ति आय सालाना जो है 20 रुपया, इस तरह के प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये के बात कही। मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान देश के सैद्धांतिक प्रतिपादक थे। तो ये तो दूसरा क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे जो ऑप्शन है, निम्न में से कौन ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत से संबंधित है, तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस इससे संबंधित नहीं थे। अगला जो प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी नहीं थे। इकबाल जो थे ही नहीं, और दादा भाई नौरोजी ही होंगे इसका आंसर। तो ए नंबर दादा भाई नौरोजी, क्योंकि इकबाल आप जानते हैं ना, इसने क्या किया, पाकिस्तान देश का सैद्धांतिक प्रतिपादक माना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में जो भी अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किए थे, और देश के बाहर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सब नारे जो है इन्होंने लगाए थे। लेकिन ये जो है दादा भाई नौरोजी ने ये दिया था ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत। इन्हें जो है पहली बार अंग्रेजों की मनसा को समझने का मौका मिला, और ये बताया था कि भारत जो है उसमें मात्र 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय की दर से प्रत्येक भारतीय का है, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी इन्हें माना जाता है ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में। और यदि इस ऑप्शन के अनुसार बात किया जाए तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको बताएं, इकबाल ये तो डायरेक्ट पाकिस्तान से संबंधित है, तो आप जो है इस आंसर को छांट के अलग करके भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या आने वाला है। तो आशा है कि ये सारे जो प्रश्न थे वो आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती,
तो ये तो नहीं होंगे, और आचार्य रामकृष्ण इस प्रकार से है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाता है। इसका आंसर जो है वो आप दे सकते हैं बी नंबर, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद जो है 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया था कि 1897 से पहले ही, यानी 10 साल पहले 1887 में, याद रखिएगा कि बेलूर मठ की स्थापना ये किए थे, ठीक है। 1887 में बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद किए थे, और स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम जो था वो नरेंद्र दत्त था, ठीक। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में सबसे एक महत्वपूर्ण कार्य जो उनके जीवन का था और जिसे सारे भारतीय याद रखते हैं, वो है 1893 में शिकागो में आयोजित प्रथम धर्म संसद, ठीक है, जिसमें उसने क्या किया था, वेदांत दर्शन की श्रेष्ठता स्थापित किया था, वेदांत दर्शन की श्रेष्ठता को स्थापित किया था। और उनके जीवन का जब कहिए करके पूरे भारतीय संस्कृति में 1853 का जो दौर था, जो समय था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। 1893 के जो शिकागो धर्म सम्मेलन था वो भारतीय संस्कृति को दर्शाता है कि वहाँ पर जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने वहाँ पे अपने बात को रखा था। देखिए दयानंद सरस्वती का बात है, तो दयानंद सरस्वती जो है 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किए थे, ठीक है, इसलिए दयानंद सरस्वती तो नहीं है, यदि क्वेश्चन ये भी रहता है। फिर रामकृष्ण परमहंस जो है अपने गुरु के बाद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो स्वामी विवेकानंद द्वारा करवाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, वह सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः थी। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः कैसी सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वह एक शहरी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता या कहें उसको सुनियोजित शहरी सभ्यता थी। तो ये सिंधु सभ्यता का जो काल माना जाता है 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व के बीच में माना जाता है। हालांकि इसमें कहना कि यही इसका काल है ये सही नहीं है, क्योंकि अधिकतर विद्वान ये मानते हैं, मगर बहुत सारे विद्वानों में इस समय को लेकर मतभेद है। देखिए तो हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे महत्वपूर्ण शहर जो था वो मोहनजोदड़ो था, ठीक है। मोहनजोदड़ो में ही महास्नानागार बोल सकते हैं उसको, या बृहत स्नानागार, इसका प्रमाण मिला है। वैदिक सभ्यता जो थी वो थी ग्रामीण सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, ना कि सिंधु सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। और देखिए सिंधु सभ्यता से जो प्रश्न कैसे कैसे आते हैं वो भी हम देख लेते हैं थोड़ा, कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो किस युग की सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता वो कांस्य युग की थी, लोग जो है कांसा धातु से परिचित थे। एक क्वेश्चन ऐसे भी रहता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता से जब उनके लोगों को कोई धातु का ज्ञान नहीं था, तो उनके लोगों को जो धातु का ज्ञान नहीं था वो धातु था लोहा, लोहा से वो लोग परिचित नहीं थे। नर्तकी की कांस्य मूर्ति किस सभ्यता में मिली है, कहाँ से मिली है? तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो थी वो भी सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिली है। देखिए मोहनजोदड़ो जो था उसमें दो प्रकार का शहर बसा हुआ था, एक था निचला शहर और एक दूसरा था दुर्ग। दुर्ग में राजा महाराजा लोग रहते थे, और निचला शहर में मजदूर गरीब या अछूत लोगों के लिए वो था, ठीक है। तो इस प्रकार से सिंधु सभ्यता में जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये प्राचीन इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो देखिए सिंधु सभ्यता के लोग जो थे ऊन और सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे, तो ये सब भी आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं, किस भाषा में बुद्ध उपदेश दिया करते थे? किस भाषा में बुद्ध उपदेश दिया करते थे? अगर बुद्ध का बात किया जाए कि वो किस भाषा में उपदेश दिया करते थे, ये सबसे पहले उसने किस भाषा में जो है उपदेश दिया था, तो महात्मा बुद्ध जो है सबसे पहले जो उपदेश दिए थे वो प्रायः वो अपने जन साधारण की भाषा पाली में उपदेश देते थे, ठीक है। आपके ऑप्शन के अनुसार ये आंसर जो होता है बी। देखिए महात्मा बुद्ध जो है बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और इस या बौद्ध धर्म कह लीजिए इसको, जिसके संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रायः पूछे जाते हैं, ग्रुप डी के एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं। दूसरा कि इसने यानी महात्मा बुद्ध ने कहाँ पे अपने ज्ञान की प्राप्ति की थी? तो अपने ज्ञान की प्राप्ति ये गया में किए थे, ठीक है। और तीसरा जो है इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया? तो पहला उपदेश जो इन्होंने दिया है वो सारनाथ में दिया है, और इसके साथ ही महात्मा को ज्योति प्रकाश या ज्योति पुरुष कहा जाता है, क्योंकि
प्रकाश पुरुष कहा जाता है, या लाइट मैन ऑफ इंडिया कहा जा सकता है। तो लाइट मैन कहा जाता है, सॉरी लाइट मैन इन्हें कहा जाता था। तो लाइट मैन के नाम से भी ये जाने जाते हैं, एशिया का लाइट मैन, ठीक है। महात्मा बुद्ध, तो महात्मा बुद्ध के जो पुत्र थे वो राहुल थे, और इन्होंने जो है अपने घर बार छोड़कर ब्रह्मचर्य स्थापना पालन करके उन्होंने कठिन तपस्या किया, और उसके बाद उन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो अपने ज्ञान थे वो शरावस्ती, जिसकी राजधानी कौशल थी, वहाँ पे प्रसेनजीत के शासनकाल में सबसे ज़्यादा दिए थे, ठीक है। तो इस प्रकार बुद्ध का जीवन, और अगला हम लोग क्वेश्चन जो देख लेते हैं वो सारनाथ के बारे में है, कि सारनाथ का लायन कैपिटल किससे संबंधित है। सारनाथ का लायन कैपिटल किससे संबंधित है, तो देखिए ये जो है वो अशोक से संबंधित होगा, मौर्य शासक अशोक महान शासक था। गोपाल तो होगा नहीं, गोपाल जो है पालवंश का संस्थापक था, ये बंगाल वगैरह क्षेत्र में गोपाल था पालवंश, तो इस तो होगा नहीं। बिंबिसार भी था, लेकिन ये इससे सारनाथ से संबंधित नहीं था। अजातशत्रु तो इससे संबंधित नहीं था, ये मौर्य वंश के सब हैं, लेकिन अशोक जो है मौर्य सम्राट था, और इसने ही सारनाथ के कैपिटल जो भी है वो इससे संबंधित था। अशोक के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि सारनाथ का जो स्तंभ है वहाँ से अशोक चक्र लिया गया है, जो कि हमारे राष्ट्रीय झंडे में है। उसके बाद अशोक चक्र जो है भारत का राजकीय चिन्ह भी है, और अजात शत्रु जो है वो तो होगा नहीं, क्योंकि यह प्रतिहिंता का हंता कहलाता है, प्रतिहंता के रूप में इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो है अपने मतलब पिता को या चाचा को कह सकते हैं, पिता को मारकर शासक बनाता है। अज्ञात शत्रु जो है वो बिजी संघ को जीता था, बिंबिसार जो है वो भी तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये सबसे प्राचीन वंश मगध का था, वो हर्यक वंश था, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अशोक जो था मौर्य शासक था, और इसने सारनाथ का लैंड कैपिटल से संबंधित है। अशोक जो है इसके बारे में कहा जाता है कि इसने अपने 99 भाइयों को हत्या करके स्वयं गद्दी पर बैठा था। तक्षशिला में यह जाता है, और वहाँ पे जो है वहाँ पे विद्रोह जो हो रहा था, उस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार इसे भेजा था, और वहाँ पर उसने सफलतापूर्वक उस विद्रोह को दबाया था। अशोक और भी जो है इसने कलिंग की जो युद्ध किया था 261 ईस्वी पूर्व में, इसके लिए भी जाना जाता है, जिसके बाद यह बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, और अपने पुत्र पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। अगला प्रश्न हम लोग देखना चाहते हैं कि वह पहला शासक कौन था जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया था। वह पहला शासक कौन था जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया था। देखिए धर्म और राजनीति दोनों ही दो चीज़ें होती है, और प्राचीन काल का वह शासक कौन था कि जिसने इसे अलग किया था। तो वो अभी ऑप्शन जो है जो नज़र आ रहा है वो है, पहला औरंगजेब, दूसरा शाहजहां, और तीसरा ऑप्शन अभी तक नज़र नहीं आ रहा है, तो इसको देख लेते हैं पहले। तीसरा ऑप्शन है अकबर, और चौथा ऑप्शन है बाबर। तो आपको बताया था पहले ये सब एक प्रश्न था कि अकबर जो है धर्म को राजनीति से अलग किया था, उसने दीन इलाही इस तरह के और धार्मिक सहिष्णुता नीति अपनाई थी। सर सी इसका दे दीजिएगा, ठीक है, कि वह पहला शासक अकबर था जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है ग्रुप डी में पटना का। तो चलिए देखते हैं, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था। तो इसने इसमें जो ऑप्शन है वो है महात्मा गांधी, और जवाहरलाल तीसरा नेहरू ऑप्शन, नजर, हाँ और तीसरा तीसरा ऑप्शन ऑप्शन अभी जो तक है नजर वो है नहीं आ रहा है, सुभाष चंद्र चंद्र बोस, बोस, और चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो होगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के प्राचीनतम पर्वत हैं, भारत के प्राचीनतम पर्वत कौन है। भारत के प्राचीनतम पर्वत हिमालय, बी अरावली, और सी नागा पहाड़ियाँ, और डी शिवालिक की पहाड़ी। तो कौन सा पर्वत है जो कि सबसे प्राचीन है। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं बी, यानी अरावली। अरावली जो है भारत के सबसे प्राचीन पर्वत है, और अरावली जो है वो कहाँ स्थित है, वो राजस्थान में पड़ता है अरावली पहाड़ी, और यह अरावली जो है एक अपशिष्ट पर्वत है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी रहता है कि अरावली एक कैसा पर्वत है या इनमें से कौन अपशिष्ट पर्वत है। तो इस तरह का प्रश्न में
और आप भी आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि यह अपशिष्ट पर्वत है इसलिए भी यह भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। और हिमालय, हिमालय जो है एक बलित पर्वत है, यह भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। और यह जो इसकी सबसे खास बात है कि हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में पड़ता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वह 8,850 मीटर है और नेपाल में स्थित है। देखिए इसके साथ ही भारत में जो यदि बात किया जाए कि सबसे ऊंची चोटी हिमालय की कौन सी होगी, ये सबसे ऊंचा है तो वह होता है गोडविन ऑस्टिन, जिसको कि बोलते हैं K2। तो K2 भारत की सबसे ऊंचा श्रृंखला है हिमालय की। और अरावली जो राजस्थान में स्थित है, यही हमारा आंसर होगा। नागा पहाड़ियाँ जो तो होगा नहीं, पहाड़ियाँ हैं तो पहाड़ियाँ तो वो पर्वत से छोटा ही होता है। तो दो ऑप्शन आप इसी तरीके से छांट सकते हैं कि पहाड़ियाँ और होनेगा ही नहीं, पहाड़ियाँ और नागा पहाड़ी और शिवालिक पहाड़ी। तो आंसर इसका आप भी दीजिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है पीसा की झुकी मीनार कहाँ है। यह क्वेश्चन आपको हमारे पहले वीडियो में मिलेगा, मगर इस वीडियो को बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य था कि सारे प्रश्न जो पटना ग्रुप डी 17/11/2013 में पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में हमारा मिल जाए, और जो पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियो वो पूरी तरीके से वो क्वेश्चन को देख लें। तो पीसा की झुकी मीनार कहाँ है, तो इसके लिए हम आपको बताएंगे। पहला ऑप्शन जो है वो इटली है, दूसरा ऑप्शन जो है वह है मिस्र, तीसरा ऑप्शन जो है वह है इंग्लैंड, और चौथा ऑप्शन जो है वह है फ्रांस। तो देखिए पीसा की जो झुकी मीनार है वह स्थित है इटली में, ठीक है। इटली की राजधानी जो है वह रोम है, और पीसा की झुकी मीनार जो है वो रोम में ही है। पीसा की झुकी मीनार जो है वो झुकी हुई है और वो गिरती नहीं है, क्योंकि उसकी जो गुरुत्व केंद्र होता है वो आधार केंद्र से होकर गुजरती है, इसीलिए यह झुकी पर झुका हुआ प्रतीत होता है और वह गिरती नहीं है। और मिस्र का बात यदि किया जाए तो मिस्र जो है उसे कहते हैं पिरामिड का देश, ठीक है। मिस्र को कहते हैं पिरामिड का देश या पिरामिडों का देश, तो मिस्र ऑप्शन है नहीं। और इंग्लैंड, इंग्लैंड में ये पीसा की झुकी मीनार नहीं है, फ्रांस में भी इसका आंसर नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो इटली। हमेशा याद रखिए इटली में पीसा की झुकी मीनार है, जिसकी राजधानी रोम है, और झुकी मीनार भी रोम में ही स्थित है। अगला प्रश्न, वानखेड़े स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है। देखिए वानखेड़े जो स्टेडियम है वो क्रिकेट का है, इसमें इस स्टेडियम में क्रिकेट खेले जाते हैं। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, नागपुर में, पूना में, बेंगलोर में, इन चारों ऑप्शन में कहाँ है। तो इसका आंसर जो होगा वो सीधे तौर पे मुंबई होगा। मुंबई में है कौन सा स्टेडियम, नागपुर, मुंबई में है वानखेड़े स्टेडियम। अब देखिए ये तीनों जो ऑप्शन है उसमें है नहीं, लेकिन कुछ हम आपको स्टेडियम के नाम बताएंगे वो कहाँ स्थित है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में यदि वानखेड़े स्टेडियम पूछा गया है तो हो सकता है और भी सारे स्टेडियम पूछे जा सकते हैं। तो देखिए वानखेड़े स्टेडियम तो मुंबई में है, याद रखिएगा। ईडन गार्डन स्टेडियम है वो कोलकाता में है। कीनन स्टेडियम ये जमशेदपुर में स्थित है। इसके साथ ही भारत के एक और बड़े स्टेडियम जिसका नाम है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, यह दिल्ली में स्थित है, ठीक है। यह फिरोज शाह कोटला मैदान करके भी आता है तो वो दिल्ली में है। इसके बाद ग्रीन पार्क स्टेडियम वो है कानपुर में। तो ये सारे जो स्टेडियम मैंने आपको बताया ये सारे क्रिकेट से संबंधित स्टेडियम हैं, और ये स्टेडियम जो है पूरे भारत में स्थित है। और भारत में कहाँ कहाँ स्थित है उसका नाम हमने आपको बता दिया। कुछ इंटरनेशनल स्टेडियम जो है विदेश में भी हैं, उनके नाम भी हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से स्टेडियम है, देखिए लॉर्ड्स है, लॉर्ड्स भी क्रिकेट का ही स्टेडियम, यहाँ भी क्रिकेट खेला जाता है। दूसरा ओवल है, यहाँ पर भी क्रिकेट ही खेला जाता है। और लीड्स का मैदान जो है वो भी ब्रिटेन में है, ये सब ब्रिटेन में है, और यहाँ पे क्या खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है, ठीक है। तो वानखेड़े स्टेडियम आपके अनुसार, ऑप्शन के अनुसार मुंबई में है। आपको हम बहुत ही आराम से बता रहे हैं इसलिए ताकि आप ज़्यादा देर तक वीडियो को देखें और आप अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर याद रखें। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। देखिए नोबेल पुरस्कार के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि नोबेल पुरस्कार दिया जाता है।
नोबेल पुरस्कार जो है किन क्षेत्रों में नहीं दिया जाता है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर लेते हैं, आपको बता देते हैं। देखिए नोबेल पुरस्कार क्या है, नोबेल पुरस्कार जो है 1901 से दिया जाता है, जो कि किस किस क्षेत्रों में दिया जाता है, शांति में दिया जाता है, साहित्य में, चिकित्सा में, रसायन में, भौतिकी में, 6 क्षेत्रों में ये दिया जाता है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा भी की गई है, जो कि 1968 में, 1968 में घोषणा की गई है, मगर दिया गया है कब, 1969 से। ठीक है, ये नोबेल पुरस्कार जो है वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिया जाता है, जिन्होंने कि 1867 ईस्वी में डायनामाइट का आविष्कार किया था। ठीक है, और डायनामाइट के आविष्कार से इन्हें भारी मात्रा में धन प्राप्त हुआ था। तो जाहिर सी बात है, आविष्कार करने के बाद धन तो प्राप्त होता ही है, लेकिन वहाँ पे भारी मात्रा में उनको हुआ था और इन्हीं के नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आपके ऑप्शन में भौतिकी है, जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है और शांति है। तो आपको हमने बताया कि इन 16 क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन उनमें से जीव विज्ञान आपको हम नहीं बताए थे, तो इसका आंसर क्या होगा, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में नहीं दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, बल्कि चिकित्सा विज्ञान में दिया जाता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन के अनुसार जो है वो होगा जीव विज्ञान। और शांति के क्षेत्र में जो 2000 ये जो शांति के क्षेत्र में है वो भारत के मदर टेरेसा को मिला हुआ है। साहित्य का पुरस्कार जो है वो नोबेल पुरस्कार वो दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर को, जो कि सबसे पहले भारतीय थे, 1913 में उन्हें मिला था। और इसके साथ ही भारत में भौतिक क्षेत्र में भी कई नोबेल पुरस्कार आ चुके हैं। अमर्त्य सेन जो है वो अर्थशास्त्र में लिए हैं, और कैलाश सत्यार्थी भी जो है वो शांति के क्षेत्र में भारत के ये पुरस्कार ले चुके हैं। तो चलिए, आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अब आगे प्रश्न हम देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो पहला ऑप्शन है 1947 से 1992, दूसरा जो है 1949 से 1954, और तीसरा जो है 1951 से 1956। तो देखिए, पहला पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, पहला पंचवर्षीय योजना मतलब 5 वर्षों का जो योजना था वह सबसे पहली बार भारत में 1951 से 1956 में शुरू हुआ था। ठीक है, 1951 से 1956 तक पहला पंचवर्षीय योजना भारत में चला था। अब ये पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 के लिए, ये कृषि के लिए पहला चला था। दूसरा जो है तीव्र औद्योगिकरण से संबंधित था। ठीक है, तो हम आपको इसका थोड़ा सा विस्तार में आपको बताते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी 51 से 56 थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था। अब साथ में ही भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी 1956 से 1961 थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था, और योजना अवकाश जो है 1966 से 1969 के बीच की अवधि को कहते हैं। अनवरत योजना जनता दल सरकार जो है 1978 में चलाया था। देखिए, 1966 से 1969 के बीच की जो अवधि है वह योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है, क्योंकि 1966 से 67 1 साल, 67 से 68 1 साल, और 68 से 69 1 साल तक, यानी एक एक साल तक योजना चला था। इसलिए इसमें वो जो क्रम था पंचवर्षीय योजना का टूट गया था, इसलिए इसको योजना अवकाश भी कहते हैं। 1951 से 56 आपका आंसर होगा। वर्ष 1969 में भारत के कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो वर्ष 1969 में भारत के कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन है आपका 11, 12, 13 या फिर 14। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 14। 14 इसलिए होगा क्योंकि पहली बार 1969 में किया गया था, और 6 साल बाद, सॉरी 69 नहीं बल्कि 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो 1980 में किया गया था, या फिर आप इस तरह से समझे कि 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। देखिए, न्यू बैंक ऑफ इंडिया को सितंबर 1993 में पीएनबी में मिला दिया गया था। ये भी याद रखिएगा, पीएनबी में 1993 में कौन सा बैंकों को मिलाया गया, तो वो था न्यू बैंक ऑफ इंडिया। अब एसबीआई की बात करते हैं, तो एसबीआई को जो है जुलाई 1955 में राष्ट्रीयकरण किया गया, जो कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है।
SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में राष्ट्रीयकृत हुई थी। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों को कुल ऋण का 18% जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में देना होता है। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है कृषि क्षेत्र भी से आप कह सकते हैं, यानी 18% ऋण जो है वो बैंक वो इसी क्षेत्र में दे सकती है या देती, देना उनको अनिवार्य होता है। तो ये था कुछ बैंकों का। और एक भारत का जो है बैंकों का बैंक कहलाता है वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वह 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था, जो सारे बैंकों में, भारत के सारे बैंकों पे नियंत्रण रखती है। और उसका जो है काम भारत में सभी बैंकों का संचालन क्रियाओं को करना है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला जज कौन थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला जज कौन थी? तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इससे प्रश्न आपको हमेशा आते रहते हैं। तो भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला जज थी वो थी मीरा साहिब फातिमा बीबी। इनका पूरा नाम था मीरा साहिब फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर आप 2 इसका आंसर दे सकते हैं। यह बनी थी सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला जज। अब यहाँ पे सरोजिनी नायडू तो होगा नहीं, ठीक है, सुजाता मनोहर भी नहीं है, और राजकुमारी अमृता कौर भी इससे कोई संबंध ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट से। आपको और भी कुछ जानकारी दे देते हैं जो कि आपको क्वेश्चन परीक्षा में आ सकते हैं। देखिए लीला सेठ जो है वो भारत के हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। वो हाई कोर्ट जो था शायद वो था हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट, जहाँ पे कि लीला सेठ भारत की प्रथम महिला हाई कोर्ट की न्यायाधीश बनी थी। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है सरोजिनी नायडू भारत की जो है प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, इसलिए इसका आंसर ये तो नहीं होगा। ये उत्तर प्रदेश की थी, ठीक है, पहली महिला राज्यपाल थी, किस राज्य की थी? उत्तर प्रदेश की। और सरोजिनी नायडू जो है भारत की प्रथम महिला थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी कानपुर 1925 में, ठीक है। लेकिन इससे पहले भी एक और थी, ये कांग्रेस की अध्यक्ष थी, कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, लेकिन महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट जो थी पहली बार बनी थी कांग्रेस की अध्यक्ष, ठीक है, एनी बेसेंट। अब राजकुमारी अमृता कौर और भारत की प्रथम महिला जो केंद्रीय मंत्री बनी थी, ठीक है, पहली महिला थी राजकुमारी अमृता कौर जो कि भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री बनी थी। देखिए एक क्वेश्चन आपको बता दिया, हो सकता है आपको इसमें कंफ्यूजन हो कि सरोजिनी नायडू को हमने बताया भारत की प्रथम महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी ये कानपुर के 1925 अधिवेशन में बनी थी, लेकिन इससे पहले भी एक महिला बनी थी जो कि थी एनी बेसेंट, और वह बनी थी ये भारत की पहली महिला, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन रहता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला जज कौन थी? इसका आंसर बी फातिमा बीवी। अगला प्रश्न की ओर देख लीजिए आप, कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? भारत का सबसे बड़ा पशु मेला यानी पशुओं का मेला, तो ये बिहार के सारे राज्य हैं, समस्तीपुर, सोनपुर, हाजीपुर, दरभंगा, कहाँ पे? तो यहाँ पे आंसर आप दीजिएगा हाजीपुर। हाजीपुर में सबसे बड़ा पशुओं की मेला लगता है, और यहाँ पे जो है वो बहुत अच्छे अच्छे पशु और बड़े बड़े पशु जो हैं वो अच्छी नस्ल का आते हैं, और यहाँ पे पशुओं का बहुत बड़ा मेला लगता है। राजस्थान में भी एक पशु मेला लगता है, लेकिन ये जो है भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है वो है हाजीपुर का, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च रैंक क्या है? देखिए भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च रैंक क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? पहला है एयर चीफ मार्शल, दूसरा एडमिरल, और तीसरा एयर कोमोडोर, तो इस तरीके का ऑप्शन है, और चौथा क्या है? ब्रिगेडियर, चौथा ब्रिगेडियर है। तो ये भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च रैंक क्या होता है? भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च रैंक जो है वह है एयर चीफ मार्शल, याद रखिएगा एयर चीफ मार्शल। एडमिरल जो है ना वो नौसेना संबंधित रैंक है, यानी एडमिरल जो होता है वो नौसेना का सर्वोच्च कमांड यानी सर्वोच्च कमीशन रैंक है, ठीक है। उसके बाद जनरल, तो जनरल तो होगा नहीं, तो जनरल तो इसमें ऑप्शन भी नहीं, लेकिन याद रखिएगा कि जनरल जो है वो थल सेना का सर्वोच्च कमांडेंट रैंक है। तो सर्वोच्च रैंक जो होता है वो भारतीय वायुसेना का वह है एयर चीफ मार्शल। ब्रिगेडियर भी थल सेना का ही है, तो इसलिए ब्रिगेडियर होगा नहीं, ठीक है। एयर कमोडोर जो है उससे नीचे वाला होता है, तो इसलिए इसका आंसर जो है भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च रैंक क्या है वह है एयर चीफ मार्शल। भारत में तीन सेना होता है,
वो तीन सेना कौन कौन होते हैं ध्यान रखिएगा, नौसेना, उसके बाद थल सेना और वायुसेना, ये तीन सेना है। तो ये क्वेश्चन एक प्रकार का और भी रहता है कि भारत में जो है तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, भारत के तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, तो वह होता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है वह तीनों सेनाओं के प्रमुख के रूप में जाने जाते हैं या माने जाते हैं। देखिए माने क्या जाएंगे, जाने भी नहीं जाते हैं, मतलब कि उनका यह संवैधानिक रूप से अधिकार होता है कि वह तीनों सेना के प्रमुख होते हैं। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। देखिए भारत के अटॉर्नी जनरल जो होते हैं भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वह है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का काम ये नहीं होता है, वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो CAG होते हैं, और वो जो है भारत का विधि अधिकारी नहीं होगा, पहला ऑप्शन। दूसरा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये मुख्य सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं। तीसरा, आपको हम बता चुके हैं कि भारत का अटॉर्नी जनरल जो होता है उसे प्रमुख विधि अधिकारी या प्रथम विधि अधिकारी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं महान्यायवादी। तो ये क्यों होते हैं देख लेते हैं। अनुच्छेद जो 76 होता है, याद रखिएगा हमेशा, 76, आर्टिकल 76, यानी अनुच्छेद 76 के अधीन भारत में अटॉर्नी जनरल का पद जो है वह सृजन किया गया है, और महान्यायवादी को भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी माना गया है, और राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति किया जाता है। महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये प्रश्न भी रहते हैं, तो वो राष्ट्रपति करते हैं इसको, और उनके प्रसाद पर्यंत जो है अपने पद पर यह ग्रहण हो जाते हैं। महान्यायवादी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेता है, लेकिन यह अपने मत का प्रयोग नहीं करता है, यानी यह मतदान नहीं करता। प्रश्न इस तरह से रहते हैं, वो कौन सा विधि अधिकारी होता है, वो कौन सा व्यक्ति होता है जो लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही में भाग तो ले सकता है लेकिन अपना मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर भी होगा भारत का अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। तो इस महान्यायवादी बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, यह संवैधानिक पद है जिसको राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन मिलता है, और यह भारत का प्रथम विधि का अधिकारी होता है, लेकिन लोकसभा राज्यसभा में अपना मत नहीं देता है। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है किस वर्ष में अस्तित्व में आया, पहले ये देख लेते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है किस वर्ष अस्तित्व में आया, उसके बाद बताएंगे आपको कि क्या है ये सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वह 2005 में, 2006 में, 2004 में या 2007 में बना था। तो ये सूचना का अधिकार अधिनियम जो है बहुत लंबे समय का आंदोलन का परिणाम है, बहुत लंबे समय से ये आंदोलन चला रहा था। तो सूचना का अधिकार का जो आंसर है वो आप ध्यान रखिएगा कि 2005 है, 2005 में ये अस्तित्व में आया था, लेकिन ये अस्तित्व में आया था ऐसे ही नहीं बल्कि राजस्थान में इसके लिए बहुत बड़ा सबसे पहले आंदोलन चला था, जिसमें कि मजदूर लोग जो थे वो अपने पंचायतों में खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें डर था, उन्हें अंदेशा था कि जो सरकार ने पैसा हमारे पंचायत में भेजा है वो पैसे का जो है यहाँ पे घोटाला हो रहा है। तो इसी का पता लगाने के लिए वो लोग जो है स्ट्राइक किए, आंदोलन किए, और उसने क्या किया, बहुत व्यापक स्तर पर इस आंदोलन को अपने पंचायत से शुरू किया, फिर बहुत सारे लोगों को जोड़ते जोड़ते यह जो है वह पूरा क्षेत्रीय आंदोलन का रूप ले लिया था, और यह आंदोलन दिल्ली में भी बाद में चलाया गया था कुछ संगठन के नेतृत्व में, और यह जो है इसका दबाव सरकार पे पड़ा, और यह बिल जो है राज्यसभा में और लोकसभा में पेश किया गया, और सरकार ने इसे पारित भी कर दिया, और पारित करने के बाद, ये कांग्रेस की सरकार थी याद रखिएगा, पारित करने के बाद इसे जो है अंततः 2005 में राष्ट्रपति का यहाँ पे इस अधिनियम पे साइन होता है, और यह एक अधिनियम बन जाता है, और इस अधिनियम के बनने के बाद जो है वो सरकारी कार्य क्रम में या सरकारी जो काम काज होता है उसमें पारदर्शिता के लिए यह अधिनियम बहुत ही अच्छा है, जिसके लिए RTI के द्वारा हम कोई भी प्रश्न को पूछ सकते हैं और उसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यही अधिकार हमको मिला था। क्वेश्चन अगला भी है, अगला क्या है, सभी अम्लों में सामान्य तत्व कौन सा है, या सभी अम्लों के लिए सामान्य तत्व है। देखिए अम्ल क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं कि अम्ल होता क्या है।
अम्ल जो है वो उसका पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है, यानी 7 से कम वो सभी तत्व जो होते हैं वो होते हैं अम्ल, और 7 से ज़्यादा जो होता है वो होता है क्षार। ठीक है, और क्षार और इसके साथ ही बहुत सारे जो होते हैं जिसका पीएच मान 7 होता है वो होता है उदासीन। अब देख लीजिए सभी अम्लों में के लिए समान तत्व क्या होता है, क्या ऑक्सीजन सभी तत्व में समान रूप से होते हैं, क्या क्लोरीन होते हैं, क्या सल्फर होते हैं, क्या हाइड्रोजन होते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था, बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर गलत दिया होगा पटना में, लेकिन इसका आंसर जो है वो सही हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो है सभी अम्लों में पाया जाता है, जैसे अम्ल सभी हाइड्रोजन जो है सभी अम्लों में पाया जाता है, और अम्ल का पीएच मान हम आपको बताए थे 7 से कम होता है। तो 7 से कम कौन कौन से चीज़ों का हो सकता है, जैसे 7 से कम मूत्र का हो सकता है, मूत्र का होता है, उसके बाद में नींबू रस जो होते हैं उसका भी 7 से कम ही होता है। क्षारीय कौन कौन से चीज़ हो सकते हैं, क्षारीय जो चीज़ होते हैं वो आपके ब्लड खून हो सकता है, खून जो है वो क्षार का एक प्रकार है। इसके साथ ही हाइड्रोजन तो सभी अम्लों में समान रूप से पाया जाता है। 7 जो होता है वो कौन होता है, उदासीन जो होता है वो पानी, शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। जब लोहे के कील में जंग लग जाता है तो इसका वजन घटता है, बढ़ता है, ना घटता है और ना ही बढ़ता है। देखिए तो जब लोहे के कील में जंग लग जाता है तो इसका वजन जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण जो होता है वो वायुमंडल में आर्द्रता और नमी होती है, जिससे वो अभिक्रिया करके जो है वो जंग लग जाता है और इससे उसका वजन बढ़ जाता है। क्वेश्चन इस तरह से भी रहता है कि जब लोहे में अभिक्रिया होती है तो इसका जो वजन बढ़ जाता है वो कौन से अभिक्रिया है, यानी लोहे में जंग लगना कौन सा अभिक्रिया है, तो वह अभिक्रिया होता है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, और दूसरा जो इस तरह से भी रहता है कि लोहा वो इस पे कौन सा परत चढ़ाया जाता है जिससे कि जंग ना लगे, तो वो होता है जस्ता का परत, जिंक का। और अगला प्रश्न है प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, ओम। ठीक है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, वो प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम। तो देखिए हमने बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाया थे, और इसमें सारे जो TKGS का प्रश्न था वो पटना ग्रुप डी में जो पूछा गया था 17/11/2013 का, सारे प्रश्न हमने इसमें दे दिए हैं। और आपको यदि ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और अच्छी तरीके से देखिए और बार बार देखिए इस वीडियो को ताकि आपको याद हो जाए। तो बहुत ही मेहनत के बाद ये वीडियो बना है, तब आपके लिए बहुत ही अच्छी कोशिश हम कर पाए या नहीं ये हमारे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। धन्यवाद।